राइट गाइस, आज आप देख रहे हैं अपने पास एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख चार जहरीले सांपों में से एक है। मैं इससे बिल्कुल सेफ डिस्टेंस पे हूँ और इसको हम इसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करने के लिए लाए हैं। जब भी कोबरा फन निकालता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने को चेतावनी दे रहा है, और अगर आप इसकी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्पेक्टिकल कोबरा में पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। किसी को भी अगर ऐसे सांप का बाइट हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम ही एक ऐसी दवाई है जो इसके जहर को मार के आपकी जान बचा सकती है। इतना जहरीला होने के बाद भी इस सांप का हमारे एनवायरमेंटल में बहुत महत्व है। इस सांप के न्यूरोटॉक्सिक वेनम का टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों की मेडिसिन में उपयोग किया जाता है। जब भी कोबरा फन निकालता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद को अपने एनिमी से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोबरा सामने देखता है तो उसको उसके पीछे का बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और उसको पीछे से कोई भी एनिमी अटैक कर सकता है। बट नेचर ने उसको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ गिफ्ट की है, जो उसके पीछे का पैटर्न है। जब भी कोई एनिमी या प्रीडेटर उनको पीछे से अटैक करने जाता है तो उनको लगता है कि उसके बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं और गुस्से से वो उनको देख रहा है। अगर किसी को इसका बाइट हो जाए तो हमें झाड़ फूँक के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। चलो आइए दोस्तों, हम इसको ज़्यादा इरिटेट नहीं करते हुए इसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ करते हैं।